हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज जो एग्ज़ाम हुआ है इंडियन नेवी MR का 23 फरवरी 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। चैनल बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल अकाउंट होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पाइडरमैन फिल्म के निर्माता कौन है। तो स्पाइडरमैन फिल्म के निर्माता हैं सैम रेमी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। ये तो आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक होता है। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीयता भारतीय। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, देवनागरी। भारत की राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है, हिंदी देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है, सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। और भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कौन है, गुट निरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, रुपया। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। तो इतने आपको ध्यान रखने हैं। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, जलेबी। और भारत की राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, 26 जनवरी, जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि MS हुसैन का संबंध किससे है। तो MF हुसैन का संबंध है पेंटिंग से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट है। तो एम्पियर सेकेंड ये चार्ज की यूनिट है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे पर है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये नर्मदा नदी के किनारे पर है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु वेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भी हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति बनाई गई है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है। तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध स्विमिंग से है। देखिए अब आपको कुछ खेलों से प्रश्न ध्यान में रखने हैं, हो सकता है जिनका एग्जाम कल है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा जो इंडोर स्टेडियम है वो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ये कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। और विजेंद्र कुमार सिंह ये किस खेल से संबंधित है। तो विजेंद्र कुमार सिंह ये मुक्केबाजी बॉक्सिंग से संबंधित है। और वीमर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो वीमर शब्द का संबंध है क्रिकेट आगा खां कप का है। ठीक है, वीमर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है हॉकी से। और जो आगा खां कप का संबंध, ये भी हॉकी से है। और ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। कुल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहां पर स्थित है। तो ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कोलकाता में स्थित है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राशिद अनवर। 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था, आपको ध्यान में रखना है वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है, तो सॉकर ये फुटबॉल खेल का दूसरा नाम है। और ओलंपिक खेलों में
पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मलेश्वरी। आपको इतने क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज। और बाम्बो डांस किस राज्य का नृत्य है? जो बाम्बो डांस है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम का लोक नृत्य है। ये तो आपको पता हो गया कि जो वामो डांस है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये मिजोरम का लोक नृत्य है। अब आपको पता होना जरूरी है कि मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जोराम थंगा। अब मिजोरम के राज्यपाल, ये भी पूछा जा सकता है कि मिजोरम के राज्यपाल कौन है, मिजोरम के राज्यपाल हैं कुमनस राजशेखरन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नागालैंड की भाषा क्या है? तो नागालैंड की भाषा है इंग्लिश। नागालैंड की भाषा तो आपने पता कर ली कि इंग्लिश होती है। अगर पूछा जाए कि नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। और साथ में आपको ये भी पता ध्यान में रखना है कि जो नेफ्यू रियो हैं ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, ये लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल भी आपको पता होना जरूरी है कि राज्यपाल कौन है नागालैंड के, तो राज्यपाल हैं पगनाप बालकृष्ण आचार्य। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। अगला, नोबल प्राइज कौन सा देश प्रदान करता है? तो नोबल प्राइज जो प्रदान करता है वो प्रदान करता है स्वीडन, इसे बोलते हैं स्विट्जरलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की संख्या है कुल 15। अगला क्वेश्चन था कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार ये अलेक्सांडर वोल्टा ने 1800 ईस्वी में, और कहां पर किया था? इटली में किया था। किसने किया था? अलेक्सांडर वोल्टा ने कब किया था? 1800 ईस्वी में, और कहां पर किया था? इटली में किया था। चलिए इस बार को जान लेते हैं, सन 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बैटरी शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी बैटरी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1749 में बैटरी शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो अपने विद्युत संबंधी प्रयोगों के लिए, वे जिन लिंक्ड कैपेसिटर्स का प्रयोग करते थे उन्होंने बैटरी का नाम दिया, और पहली बैटरी 1800 ईस्वी में एलेजांद्रो वोल्टा द्वारा बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? चलिए सिलिकॉन के बारे में जान लेते हैं। सिलिकॉन प्रतीक एसआई एक रासायनिक तत्व है, यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अवश्य साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज 1824 में स्वीडन के रासायन शास्त्री जोस जेकब ब्रिजेजर्स ने की थी। आवर्त सारणी में से 14वें स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। थोड़ा ये नौ जैसा लग रहा था तो मैं समझा कि ये नौ है, तो ये 1824 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं, इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। ध्यान में रखना है कि इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 ईस्वी में हुई थी। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसंधान के लिए वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया, जिसको वर्ष 1969 में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है सफेद लिली, इसको बोलते हैं व्हाइट लिली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह तो आपको पता चल गया कि क्या है, वो है सफेद लिली। अगर पूछा जाए इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं गिउसेपे कोटे। कौन है? गिउसेपे कोटे, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, गिउसेपे कोटे, तो ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह और प्रधानमंत्री, ये तो आपको पता चल गया। और साथ में ये भी बताना जरूरी है कि इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी है रोम। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन था कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? 1928 ईस्वी में
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब देखिए दिवस से भी क्वेश्चन काफी पूछे गए आज के पेपर में, तो दिवस से आज कुल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में। तो युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अल्कोहल समूह की पहचान की जा सकती है, इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। अल्कोहल कार्बनिक यौगिक से एक से या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक ओ एस समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। यौगिक में उपस्थित ओ एस समूह की संख्या के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और चौथा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अगला क्वेश्चन था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। और फुल फॉर्म भी पूछे गए थे आज कि WBC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो WBC का फुल फॉर्म होगा व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बुक किसकी है? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बुक है ह्यून टेस्कन की। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर से जाती है और 60 किलोमीटर से रिटर्न होती है, तो उसकी गति क्या होगी? 48 किलोमीटर आंसर होगा आपका, चेक कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन था कि एच जेट किसका एसआई मात्रक है? तो एच जेट आवर्ती का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन रविनाथ टैगोर कहाँ के रहने वाले थे? तो रविनाथ टैगोर ये कोलकाता के रहने वाले थे। केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। अब हम लोग केन्या के बारे में कुछ जान लेते हैं। केन्या गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर के सटे हुए इस देश को उत्तर में इथियोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया और पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। देश की राजधानी है नैरोबी और केन्या में 5,81,309 किलोमीटर से और 2,24,445 वर्ग मील शामिल है और जुलाई 2012 तक इसकी जनसंख्या लगभग 4.4 करोड़ थी। अब देखिए दिवस से ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेवी डे दिवस कब मनाया जाता है? तो नेवी डे दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दिवस से ये क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं आज, तो याद कर लीजिए जिनका पेपर कल है। और संविधान में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान में आपातकाल कुल 2 प्रकार के होते हैं। अगला था कि पहला निगरानी सैटेलाइट कौन सा है? तो पहला निगरानी सैटेलाइट है INSIA 2013। अगला था कि प्रोटॉन में क्या क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला डॉल्फिन किस वर्ग में आती है? तो डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ोसी देश पर नजर रखने के लिए क्या लॉन्च किया गया? तो पड़ोसी देश पर नजर रखने के लिए चंद्रयान 11 लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन 16 गज शब्द का संबंध किस खेल से? तो 16 गज शब्द का संबंध हॉकी से है। और प्रमुख खेल और संबंध जरूर याद करके जाएं क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय दें कि हमको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।